दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्ती नगर झुग्गियों में 120 सामुदायिक टॉयलेट्स गरीब जनता को सौंपा। कार्ती नगर के जेजे कॉलोनी में बने इन 120 टॉयलेट की वहां के निवासियों को बेहद जरूरत थी। इस मौके पर खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। उद्घाटन करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उनकी सरकार आम आदमी की सरकार है। टॉयलेट की उन्होंने ऐलान किया कि जहां पर भी टॉयलेट का शुल्क लिया जाता है वो 1 जनवरी से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। आज की जा रही है। कई साल पहले मैं झुग्गियों में काम किया करता था, कई महीनों तक मैं खुद भी झुग्गियों में रहा था। उस वक्त हम देखा करते थे सबसे ज्यादा तकलीफ झुग्गियों में शौचालय ना होने की वजह से महिलाओं को होती है। महिलाओं को जब खुले में जाना पड़ता है, नहाने की व्यवस्था नहीं होती, इसकी वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है। तो आज ये शौचालय और नहाने की व्यवस्था खुल जाने से वैसे तो सबको फायदा होने वाला है, सबको सहूलियत होने वाली है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा महिलाओं को इसकी सहूलियत होने वाली है। अभी तक जितने भी ये शौचालय थे इनमें सरकारी प्रावधान था कि इस्तेमाल करने के लिए 1-1 रुपया लिया जाता था, लेकिन पता चला ठेकेदार 2-2 रुपए लेता था। अब एक गरीब आदमी 2 रुपए एक बार जाने के देगा तो एक दिन में उसके 15-20 रुपए तो परिवार के हिस्से में चले गए। तो सरकार ने निर्णय लिया है 1 जनवरी से ये सारे शौचालय और सारे नहाने की व्यवस्था मुफ्त कर दी जाएगी। अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और रात में बंद हो जाया करते थे। हम लोगों को पता चला कि रात में जनता को बहुत तकलीफ होती थी। रात में अगर शौचालय जाना हो तो फिर खुले में जाना पड़ता था और रात में महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा खतरा है। तो इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी से दिल्ली में ये जितने शौचालय हैं ये 24 घंटे चला करेंगे, अब रात में बंद नहीं हुआ करेंगे। स्लम बोर्ड के सीईओ है, उनसे बात कर रहा था, वो बता रहे हैं अगले महीने से टेंडर शुरू हो रहे हैं और जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी वालों के लिए मकान बनने शुरू हो जाएंगे। जहां आपकी झुग्गी है उसके आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में हम जगह देख के आप लोगों के लिए मकान बनाना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे आपके मकान बनते जाएंगे आप अपनी झुग्गी में से पक्के मकानों में चले जाना। और मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द मकान बन जाए ताकि आप लोग सब लोग इज्जत की जिंदगी जी सको। आज आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से अंत में यही कहूंगा, ये जो टॉयलेट बने हैं इनको साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हम सब लोग मिलके इनको साफ रखेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। जिस दिन इनका शौचालय का उद्घाटन होता है उस दिन तो इस पे फूल भी लग जाते हैं, चमाचम करते हैं। तो अगले दिन ना तो टूटी मिलेगी ना वहां पे कुछ मिलेगा। आप ही का टॉयलेट है, आपके लिए बनाया है, आप इसको साफ रखोगे, अच्छा रखोगे। मैंने इनको सख्त निर्देश दिया है कि इनको सफाई ना करे तो हम उसका ठेका तुरंत कैंसिल कर देंगे, नया ठेकेदार ले आएंगे। ऐसा ठेकेदार मंजूर नहीं है जो कि टॉयलेट को खराब रखेगा। बीमार होता है हम लोग अस्पताल लेके जाते हैं, सारी अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे दीनदयाल उपाध्याय है ये दिल्ली सरकार के अस्पताल है, ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली सरकार का नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाओगे तो ये बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे। और अनपढ़ रह गए तो आपकी तरह ये भी झुग्गी में रहेंगे। पढ़ाई कराओगे, पढ़ाई से आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हो। पास कर ली, अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है और पैसे नहीं है तो अब सरकार आपको लोन देगी। पहले जब आप लोन लेने जाते थे तो बैंक वाले कहते थे जमीन गिरवी रखो,
घर गिरवी रखो, अब एक गरीब आदमी के पास तो जमीन घर कहां से आएगा। अब आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जितने बच्चों ने 12वीं पास कर ली, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे कॉलेज में एडमिशन लेना और आपके पैसे की जिम्मेदारी सरकार करेगी, आपको लोन दिलवाएगी, एक फॉर्म भर देना, आपको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने से उनके लिए मकान बनाने शुरू कर दिए हमने दिल्ली के अंदर।